अस्सलाम वालेकुम, आज मैं गोला कबाब बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने 1 kg लेमन्स लिया है और एक मीडियम साइज के ऑनियन को फ्राई कर लिया है। 2 छोटे लेमन लिए और उनका मैंने जूस निकाल लिया है। इसी तरह मैंने 2 टेबलस्पून कीमे के अंदर डालने के लिए बेसन लिया है। आप अगर चाहें तो चने हो भुने हुए तो उनको भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। साथ में मैंने 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया, 1/2 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है, इसी तरह 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पिसा हुआ मैंने लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है जो मैंने घर में ही ग्राइंड किया है, और इसी तरह 1 टेबलस्पून चिली को ग्राइंड किया हुआ है वो 1 टेबलस्पून है, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट है और 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है, 1/2 टीस्पून मैंने मीट टेंडराइजर लिया है। आपके पास अगर पपीता हो तो आप उसको भी ग्राइंड करके तो इसके अंदर डाल सकते हैं मीट के अंदर। और अब मैं इसकी मिक्सिंग करूंगी। कीमे में 1 अंडा भी जाएगा ताकि ये मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फूड प्रोसेसर में डालूंगी। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप जहाँ से कीमा लें वहीं से आप कसाई को बोलें कि आपको 2 दफ़ा मशीन से निकाल दो, तो फिर आप इसको हाथ से भी मिक्स करेंगे तो इसके अच्छे कबाब बन जाएंगे। इसको हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई करना है। इस तरह आप इनको हल्की आंच पे फ्राई कर लें। मैंने कबाब को पैन फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने सारी साइडों को फ्राई किया है। ये देखने सारे हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको उतार लूँगी और बाकी के कबाब में फिर दोबारा इसके अंदर डालूँगी। कबाब ये वाले रेडी हो गए हैं, इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। जो ऑयल बच गया उसको आपने उतारना नहीं है। ये इतना सा ऑयल है, इसके अंदर हमने ये जो प्याज काटे हैं ये ऐड करेंगे और साथ में थोड़ी सी बेल पेपर्स मैंने काटी हैं। इनको हल्का सा इसके अंदर फ्राई करना है। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा सोया सॉस डालना है। तकरीबन 1 मिनट आपने इसको सोते करके तो आपने इसको उतार लेना और हम डिश आउट करेंगे इसको।